hello friends welcome to my channel mathematical station this is chapter 2 linear equation in one variable from ncert of class 8th एक्सरसाइज 2.5 पिछले कुछ वीडियोस में हमने वो एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड है अब हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन है जिनको सॉल्व करना है इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब होता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसको बिल्कुल सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ओके okay? फर्स्ट वन इज एक्सअप टू माइनस वन अपॉइन फाइव इज इक्वल टू एक्सअपॉइन थ्री प्लस वन अपॉइन फोर इस इक्वेशन में वेरिएबल है एक्स इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन इज एक्सअप टू माइनस वन अपॉइन फाइव इज इक्वल टू एक्सअप थ्री प्लस वन अपॉइंट फोर देखो इस इक्वेशन में एल और आर दोनों साइड सेम वेरिएबल है एक्स एंड एक्स इस तरह के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही होता है कि इक्वेशन में जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उन सबको एक साइड शिफ्ट करना है और बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उन सबको दूसरी साइड शिफ्ट करना है ओके तो इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उन सबको हम एल में शिफ्ट कर देंगे यहाँ एल में है एक्सपोन टू और एक्सअपोन टू तो वेरिएबल वाली टर्म है इसलिए एक्सअपोन टू को हम एल में ही कॉपी कर लेंगे एक्सअप फिर एल एच एस में आ जाओ आर एच एस में अपॉन थ्री एक्सअपोन थ्री तो वेरिएबल वाली टर्म है इसलिए अपॉन थ्री को आर एच एस से एल एच एस में ट्रांसफर करना है आर एच एस में कोई नंबर प्लस है तो एल एच एस में जाके क्या होगा माइनस माइनस एक्सअपोन थ्री फिर आर एच एस में बचा प्लस वन अपॉइंट फोर वन अपॉइन्ट फोर कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए वन अपॉइंट फोर को हम एल एच एस में वेरिएबल वाली टर्म्स के साथ नोट नहीं करेंगे ओके इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन में जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स थी उन सबको हमने एल एच एस में शिफ्ट कर दिया अब जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स बची हैं उन सबको हम आर एच एस में शिफ्ट कर देंगे यहाँ आर एच एस में होगा वन अपॉइंट फोर और यहां LHS में है माइनस वन अपॉइंट फाइव फाइव कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको भी हमें आर में ट्रांसफर करना होगा एल में कोई नंबर माइनस है तो आर में जाके क्या होगा प्लस प्लस वन अपॉइंट क्लियर इस तरह से हम वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे नाउ अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन थ्री ये दोनों टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में इनको माइनस करने के लिए हमें दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा टू और थ्री का एलसीएम होगा सिक्स तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा सिक्स और न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे एक्स ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट यहाँ न्यूमरेटर में हमने क्या किया दोनों फ्रैक्शन के जो ये न्यूमरेटर थे इनको एज इट इज नोट किया और इनके साथ एक एक ब्लैंक ब्रैकेट लगा दिया अब ये ब्लैंक ब्रैकेट हमें फिल करने हैं तो ब्रैकेट फिल करने के लिए हम क्या करेंगे ये जो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम है ना सिक्स इसको एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे जो भी आंसर मिलेगा उस आंसर को उसी नंबर के न्यूमरेटर के साथ वाले ब्रैकेट में नोट कर लेंगे तो सिक्स को टू से डिवाइड करो सिक्स को टू से डिवाइड करने पर थ्री आएगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम थ्री बीच में माइनस साइन है माइनस साइन लगाया है अब सिक्स को थ्री से डिवाइड करना है सिक्स को थ्री से डिवाइड करने पे टू मिलेगा तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे हम टू क्लियर इज इक्वल्स टू फोर प्लस वन अपॉन फाइव ये दोनों नंबर भी फ्रैक्शन फॉर्म में इनको ऐड करने के लिए हमें दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा फोर और फाइव का एलसीएम होगा ट्वेंटी तो यहाँ में आएगा ट्वेंटी न्यूमरेटर की वैल्यूज फिल करने के लिए क्या करेंगे ट्वेंटी को इस नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी को फोर से डिवाइड करने पर फाइव आएगा फिर 5 की इसी नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 मिलेगा यहाँ आएगा फाइव बीच में प्लस साइन है प्लस साइन लगाएंगे फिर 20 को इस नंबर के डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 से डिवाइड करने पे 4 मिलेगा और फोर को इसी नंबर के न्यूमरेटर वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर को वन से मल्टीप्लाई करने पे फोर आएगा तो यहां फोर नोट करेंगे क्लियर जब दो फ्रैक्शन में एडिशन या का ऑपरेशन अप्लाई करना होता है तो उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो मैथड सिखा दिया आपको दोनों में से जो भी मैथड अच्छा लगता है आप दोनों जगह वही मैथड यूज कर सकते हैं ओके नाउ एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री इज थ्री एक्स minus x multiplied by 2 is 2x divide by 6 is equals to 4 plus 5 is 9 upon 20 now 3x minus 2x is 1x upon 6 is equals to 9 upon 20 x is equals to 9 upon 20 multiplied by 6 सिक्स यहाँ एल में डिवाइड है सिक्स को एल से आरएचएस में ट्रांसफर कर दिया एल में कोई नंबर डिवाइड है तो आर में जाके मल्टीप्लाई होगा और क्योंकि सिक्स यहाँ डिनोमिनेटर में था इसलिए ये आर में जाके न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा ओके अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर है जो सेम टेबल में आते हैं तो उनको कट कर देंगे यहाँ न्यूमरेटर में सिक्स है डिनोमिनेटर में ट्वेंटी है दोनों नंबर टू के टेबल में आते हैं इनको कट कर देंगे टू थ्री जा सिक्स टू टेन जा ट्वेंटी नाउ एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन अब देखो x वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो गया तो इक्वेशन सॉल्व हो गई x इज इक्वस टू ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन दिस विल बी आंसर दिस इज दोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और आंसर कैसे चेक करते हैं वो इसकी वैल्यू पुट कर दो 27 सेवन अपॉन टेन फिर इक्वेशन को सोल्व करना है एल को अलग सोल्व करेंगे आरएचएस को अलग करेंगे अगर इक्वेशन को सोल्व करने पर एल और आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है ओके okay? तो इस तरह से आप किसी भी आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक टू डेज वीडियो योर सपोर्ट रियली मीन्स अलोट टू मी बायटिक